बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैंने ना आज तकरीबन सारा दिन तो लाइट गई रही है, तो जब लाइट आई है मैंने नेट ऑन किया है तो देख के बहुत अफसोस हुआ है। तुर्की में और शाम में जॉर्डन में ये जो जलजले आए हुए हैं, ये सब कुछ होता तो अल्लाह की मर्ज़ी से है, लेकिन इंसान क्या कर सकता है। इंसान सिर्फ दुआ कर सकता है कि यार जो भी हो बेहतर हो। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक जलजला आया है, 7.9 जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक उसकी शिद्दत होती है हिद्दत। तो इसके बाद अगर आप देखें तो मुझे याद है तकरीबन 2019 में भी जलजला आया था तुर्की में, तो वो भी तकरीबन 6 पॉइंट कुछ जो है ना उसकी हिद्दत थी। तो दुआ करें कि अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सबको। बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ख़तरनाक माहौल बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दहशत फैली हुई है, बहुत ही ज़्यादा शहादतें हो रही हैं, लोग मलबे के हैं दबे हुए हैं। तो जो तुर्की में और शाम में और जॉर्डन में जो जो कुछ इस वक्त हालात हैं वो हम देख रहे हैं टीवी पे, और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो इस वक्त जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, हर तरफ जो है ना वो इमदाद की भी ज़रूरत है। तो जो जो मेरे भाई अपना समझते हैं कि हम इस लायक हैं कि हम इमदाद कर सकें, वो दिल खोल के इमदाद भी करिएगा। और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी, गवर्नमेंट ने भी, जैसा कि हमारे हालात बहुत ही टफ जा रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने जो है ना ऐलान किया है कि हम जहाँ तक हो सकेगा हेल्प करेंगे। और जाहिर सी बात है करनी भी चाहिए, क्योंकि एक इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंसान को दिखाना चाहिए कि हमें इंसानियत अभी तक ज़िंदा है। और दूसरे नंबर पे हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हमारे भाई हैं वो, तो दुआ करें कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सब जितनी भी मुश्किलें हैं परेशानियां हैं दूर करे, और जो शहीद हो चुके हैं जिनकी शहादतें हुई हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।